क्या टाइम हो रहा है देख रही हो? चले चलो कृष्ण। हाय मेरा नाम अजय है। हाय कृष्णा गाइड तुम हो? जी हाँ। हमें मंदिर देखना है। चलिए चलो चलिए कम फ्रेंड चलो। ये वो मंदिर है जिसे देखने लोग दूर दूर से आया करते हैं। आइए आइए मेरे साथ। यार मेरा फ्रेंड भी ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा था। चलिए आइए आइए आइए। ये रहा वो ऐतिहासिक मंदिर। आइए कमान यार फिर बाद में रोती मत रहना। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये प्रेम शास्त्र पर आधारित हैं और गुप्त ज्ञान को दर्शाती हैं। यहाँ पर ये जो विभिन्न रूप आप प्रेम के देख रहे हैं ये काम शास्त्र से लिए गए हैं। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। आपको पता है ये राजा हर्षवर्धन ने बनवाए थे। परिपूर्ण रूप में विभिन्न आसनों में दिखाई दे। एक ब्रह्मचारी और एक राजनर्तकी के प्रेम का प्रतीक है ये मूर्ति। एक राजा की जनक की कहानी कहती है ये मूर्तियां। एक राजनर्तकी के छम छम करते गुरु उसके लिए बेड़ी बन गए। कहने लगे कि ये मूर्तियां तो उससे बातें करती हैं। हाँ विजय हाँ वो मूर्तियां जैसे सजीव हो उठी हो। हे भगवान ये सब कुछ रहने दे यार अपनी फिलॉसफी बंद कर मुझे सोना है यार मैं सोने जा रहा हूँ समझी। साथी मेरे सदा तुम मुझे यूं ही प्यार करना यूं ही प्यार करना। तुमसे वफा करूंगा तुमसे वफा करूंगा मेरा ऐतबार करना। गई
मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। चंद्रकला? मैं चंद्रकला नहीं हूँ, मैं मालिनी हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम चंद्रकला हो, इसलिए मेरी आवाज यहाँ तक खींच लाई है चंद्रकला। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है चंद्रकला, ये सच है। याद करो चंद्रकला, ये कामासन, ये तुम और मैं है चंद्रकला। याद करो, तुम एक राजनर्तकी थी चंद्रकला। याद करो चंद्रकला। ये देखो चंद्रकला, ये देखो हर मूर्ति दर्पण है। याद करो चंद्रकला, तुम्हारे और मेरे, मेरे और तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है चंद्रकला। याद करो चंद्रकला, मैं वही योगी हूँ कृष्णानंद। तुम्हारे पैरों की वो थिरकन, तुम्हारे घुंघरों की वो झनकार, मैं निश्चल बैठा तुम्हें निहार रहा था चंद्रकला। याद करो चंद्रकला। आकाश, यहाँ के पेड़ पौधे सब गवाह है चंद्रकला, हमारे प्रेम के, हमारे पवित्र समर्पण के चंद्रकला।
तुम्हारी कला बेजोड़ है। राजगुरु के पोते होने की खुशी में आज जो नृत्य तुमने यहाँ किया है वो वाकई खूबसूरत है, परंतु हम इस खुशी को यादगार बनाना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज दरबार में आकर नृत्य करो। मंत्री जी, जी महाराज, इनके नृत्य के आयोजन का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। जी महाराज। चलिए। चिंता कर रही हो रत्नकला। पंडित जी, हम जानते हैं महलों में क्या होता है। हमने अपनी जवानी डूंगरपुर की रियासत में यूं ही नहीं गवाई है। राजा हर्षवर्धन वैसे नहीं है, उनके सिद्धांत और न्याय के कई किस्से सुने हैं हमने। मैंने उनकी आंखों के भाव पड़े हैं पंडित जी, जब वो नाचती हुई चंद्रकला को देख रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पे कोई संकट आए। मां, मेरी बच्ची नहीं हूँ, आपके साथ रहकर सब कुछ सीखा है मैंने, हर परिस्थिति का सामना किया है। लेकिन बेटा, महलों की चाहत में क्या क्या भोगा है तुम्हारी ये सभागी मान, तुम्हें नहीं पता। गलियों में नाच गाकर बड़े सम्मान से हम अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अब हम महलों से दूर रहना चाहते हैं। प्रणाम। 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 इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया आपने, स्वागत है आपका हमारे रैन बसेरा में। धन्यवाद। वैसे क्या है कि इतने सालों बाद आपको देखा तो मिलने की इच्छा जाग उठी। पहले भी आप हमसे मिल चुके हैं। जब आप डूंगरपुर की राज नर्तकी थी तो एक समारोह में हमने आपका नृत्य देखा था, बहुत अच्छा नाची थी आप। और हमारे बड़े भैया डूंगरपुर के राजगुरु थे। आप शास्त्री जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। बड़े भले मानुस थे, अब कहाँ हैं वो? डूंगरपुर की रियासत के पतन के बाद वो अपने गुरु की तलाश में हिमालय चले गए। ओ, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, वो मेरे लिए भी गुरु समान थे, मेरी शिक्षा भी उन्हीं के चरणों में हुई है। हाँ, चंद्रकला को वो बेटी के समान मानते थे। चंद्रकला बिल्कुल आपका स्वरूप है, लेकिन कहाँ वो राजसी ठाटबाट, कहाँ ये परिस्थिति, कुछ समझ नहीं आया। क्षमा करे राजगुरु, हम यहाँ सम्मान से जी रहे हैं, अब हमें महलों की चाहत नहीं। जी हाँ, अब ये महलों से दूर रहना चाहती है। सही बात है, सम्मान और स्वाभिमान दुनिया में सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए माँ चाहती है मैं महलों में नृत्य ना करूं। लेकिन महाराज ने आपको स्वयं आमंत्रित किया है, आपको जरूर आना चाहिए। देखिए, हमारे महाराज बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो मैं हूं ना। आप अवश्य आइए, आपके सम्मान और स्वाभिमान की संपूर्ण सुरक्षा की जाएगी। प्रणाम। जहाँ भाग्य ले जाए, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है राजा। ने कल के समारोह में किसी नर्तकी को आमंत्रित किया है? हाँ, बुलाया तो है, क्या नाचती है वो। मुझसे भी अच्छा। तुम तो अब रानी हो। पहले मैं भी तो एक राज नर्तकी थी। तुम हो, वो है। वो क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? तुम भी क्या बातें लिए बैठी हो? देखिए महाराज, क्या कमी है हमारे में, आप फिर वही कहानी दोहराने जा रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो?
हमारे घुंघरों में आज भी वही झंकार है महाराज, हमारी देह में आज भी वही मादकता है जो आपको मदहोश कर देगी। फिर हमारे होते हुए आपको दूसरे रानी की क्या आवश्यकता है? नृत्य के द्वारा चंद्रकला ने हमारे उत्सव में चार चांद लगा दिए, इसीलिए पुरस्कार स्वरूप हम इन्हें राज नर्तकी का सम्मान प्रदान करते हैं। आज से ये हमारे कीर्ति नगर की राज नर्तकी होगी महाराज। मंत्री जी, हमारे मयूर महल में इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। इनकी माँ और संगीत गुरु भी राजप्रसाद में रहेंगे।
रत्न कला, इस सोच में डूबी हो? जिसका डर था वही बात है। राजनर्तकी का सम्मान मिलना गौरव की बात है, लेकिन लेकिन क्या राजनर्तकी बनकर क्या क्या होगा है मेरे? कह नहीं सकते। किस किस को खुश नहीं करना पड़ा मुझे, कभी राजा तो कभी उनके बूढ़े पिता, तो कभी उनके 14 साल के बेटे को। छी, घृणा आती है मुझे अपने आप पर, किंतु किंतु क्या करती विवश थी। रत्न कला, सब एक जैसे नहीं होते। कल किसने देखा है पंडित जी, संभावनाओं की वेद पर हम अपनी बेटी की बलि तो नहीं चढ़ा सकते। तो आप ही बताएं माँ, अब हम करें क्या? हम इस राज्य से निकल जाएंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सुबह हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। चलो भैया, जरा जल्दी करो, भगाओ अपने बैलों को, भगाओ भैया, जल्दी करो, हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना है। और दौड़ाओ अपने बैलों को भाई। रुक जाओ, क्या बात है देवी जी, रात गए कहाँ निकली हो? वो मंत्री जी, बस यूं ही। अच्छा, रात्रि भ्रमण पे निकली हो? मंत्री जी, हम लोग तो ऐसे ही कहीं। तू चुप रहे पंडित। देखिए देवी जी, राजा की घोषणा हमारे लिए आज्ञा होती है, आपकी भलाई इसी में है कि आप लौट चले। सामान तो आपके पास है ही, अब आप महल चले तो अच्छा होगा। गाड़ी वान जी, मंत्री जी, गाड़ी महल ले चलो, चलो चलो सैनिको। आइए देवी जी, चलिए। राजनर्तकी जी, यह है हमारा मयूर महल, आज से आप यहीं रहोगी। आपकी माता और पंडित जी को दूसरे महल में ठहराया गया है, आप चिंता मत कीजिए, उनके सुख सुविधा का पूरा प्रबंध किया गया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। रानी हूं, महाराज की 8वीं पत्नी रानी यशोधरा। क्या खूब नाचती हो तुम, तुम्हारे रूप में कशिश भी है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझती हूँ, अपने रूप और अपने नृत्य का जादू चलाकर तुम महाराज को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो। ये क्या कह रही हैं आप, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी लड़की, जहाँ से आई हो वही लौट जाओ। मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। हम लोग तो रात को ही ये नगर छोड़ देने वाले थे, आपकी मंत्री ने हमें सीमा पर पकड़ लिया। और मैं सच कह रही हूँ, आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप हमें यहाँ से सुरक्षित निकलवा दें। महाराज की जय हो, राजनर्तकी को मयूर महल में ठहरा दिया गया है। ठीक है मंत्री जी, आप जाइए। जो आज्ञा महाराज। चंद्रकला, यदि तुम सत्य कह रही हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आपका आश्वासन पाकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। तुम्हें अपने आप को महाराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन महारानी जी, हमने तो महाराज हर्षवर्धन के न्याय सिद्धांत और नेक चलने के कई किस्से सुन रखे हैं, लेकिन ये सब
दिल से बुरे नहीं है महाराज, लेकिन आखिर है तो राजा ही, राज सत्ता का मद उनके सर पर चढ़कर बोलता है। लेकिन महारानी जी, आप इतनी सुंदर हैं, अन्य रानियां भी सुंदर ही होंगी, फिर आठ आठ रानियों के रहते हुए भी वो बाहर क्यों सुख की तलाश करते हैं? महाराज को तो सुख का पता ही नहीं है, वे तो स्त्री को रोने में सुख समझते हैं, इसलिए वे तृप्त होकर भी असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि उन्हें काम कला का तनिक भी ज्ञान नहीं है? कहां से होता है? राजमाता तो बचपन में स्व सिधार गई थी, किसी और स्त्री ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे नहीं जानते कि स्त्री सुख क्या होता है। और जब बड़ी रानी गुप्त रूप से एक दास के साथ महल से भागी तो उन्हें जंगल में घेर कर मरवा दिया गया और कह दिया कि जंगली जानवरों का शिकार हो गए वे दोनों। क्या बात है चंद्रकला, ना प्रणाम ना नमस्कार, हम राजा हैं यहाँ के। प्रणाम महाराज। तुम्हारे नृत्य में जादू है चंद्रकला, तुम्हारे पांव की थिरकन हृदय के तारों को झंकृत करती है, तुम्हारी रस भरी ताने कानों में प्रेम रस का सरोवर किए हुए हैं। तुम बेजोड़ हो, अद्वितीय चंद्रकला। हम चाहते हैं कि तुम तुम्हारे मरमरी हाथों से हमें मदिरा पिलाओ। जी महाराज। तुम्हारे हाथों के स्पर्श ने इस मदिरा के मद को और बढ़ा दिया है। चंद्रकला, हम चाहते हैं तुम यूं ही रात भर हमें पिलाती रहो और हम पीते रहें। कभी इस प्याले से और कभी तुम्हारी नजरों से। जब भी आपका जी चाहेगा मैं नृत्य से आपका दिल बहला दिया करूंगी। और तुम्हारे स्वरूप का क्या करोगी जिसकी सुगंध ने हमारे तन मन में आग लगा रखी है? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। तुम मेरी हो जाओ चंद्रकला, तुम मेरी हो जाओ। हम तुम्हारे लिए ये राजपाट, ये सब कुछ तुम पर न्योछावर कर देंगे चंद्रकला। मुझे राजरानी नहीं बनना महाराज, मुझे नृत्य ही रहने दीजिए। नहीं चंद्रकला नहीं, संसार के सारे सुख देंगे हम तुम्हें, बस एक बात। मुझे छोड़ दीजिए, नहीं चंद्रकला नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ चंद्रकला, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ चंद्रकला, मुझे छोड़कर मत जाओ। कौन है, किसने हिम्मत की इस कक्ष में आने की? कौन था वहां? तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति होगी, संसार के सारे सुख देंगे हम तुम्हें। सुख? महाराज आपको तो पता ही नहीं सुख क्या हो रहा है। हम राजा हैं, कितनी भी रानियां रख सकते हैं। रख सकते हैं, मगर सुख प्राप्त नहीं कर सकते।
देवा सुख प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। सब थोड़ी बातें चंद्रकला, बातें नहीं सच्चाई है। इंसान सागर में भी प्यासा रह जाता है और रेगिस्तान में भी अपने लिए पानी ढूंढ लेता है। बस सिर्फ उसे ज्ञान होना चाहिए तृप्ति कैसे मिलती है। अर्थात अब तुम हमें सिखाओगे तृप्ति कैसे होगी, कैसे सुख प्राप्त होगा। क्षमा करना महाराज, मैं वो गुप्त ज्ञान की बात कर रही हूँ जिसे जानने वाला स्त्री पुरुष पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको भी इस गुप्त ज्ञान की जानकारी हो जाए तो आपको किसी चंद्रकला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम हमें बातों से बहलाना चाहती हो? नहीं महाराज नहीं, मुझे जानकारी है इस गुप्त ज्ञान की। मेरी माँ कभी गणिका रही है, बाद में वो भी राजनर्तकी बनी। वो सभी कलाओं में पारंगत है, उन्हीं से मुझे ये गुप्त ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमने बहुत सुना है राजा हर्षवर्धन के अच्छे हैं, उनके सिद्धांत, उनका न्याय, लेकिन आपके इस रूप ने आपकी उस छवि को धूमिल कर दिया है। चंद्रकला, तुम बातों में वक्त जाया कर रही हो। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं ये सिद्ध कर सकती हूँ अगर आप मुझे कुछ समय देते हैं। अगर मेरी बात असत्य सिद्ध हुई तो मैं खुद आपकी बन जाऊंगी। मतलब महाराज, मैं कह तो रही हूँ मैं खुद आपकी बन जाऊंगी, मगर आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। कितना समय चाहिए तुम्हें? एक माह और पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? मेरा वो आशय नहीं है महाराज, मैं नगर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने काम के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे कार्य के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, जिसकी भी सहायता चाहिए तुम्हें मिलेगी। एक विनती और, एक माह तक आप मेरे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, किंतु याद रहे, मुझसे किसी भी तरह की धोखेबाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे सर कलम करवा दीजिए। ठीक है। चलो अच्छा हुआ, एक माह तक की चिंता तो टली। हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे मैंने सोचा यदि वैसा ही हुआ तो महाराज की आंखों से पर्दा हट जाएगा। जिस दिन उनको इस गुप्त ज्ञान की जानकारी होगी तब उनकी सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। चलो अच्छा हो जाएगा, मेरे द्वारा दिया ज्ञान सार्थक तो होगा। हाँ माँ, राजगुरु राजशिल्पी को लेकर आते ही होंगे। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब सोच लिया है। मुझे तेरी चतुराई पर विश्वास है, तू अपने काम में जरूर सफल होगी। प्रणाम। 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 शिल्पी काका, आपको हमारी सहायता करनी होगी। हम काम सूत्र पर आधारित आसनों की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। हाँ बताया था राजगुरु ने, फिर ये तो महाराज के हित के लिए है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता जी जान से करूंगा। लेकिन लेकिन क्या काका? मूर्ति बनाने के लिए हमें एक स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होगी जो आसन बना सके, तभी मूर्तियों में जीवंतता आएगी। स्त्री का काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन पुरुष? किसी भी पुरुष के लिए संयम से इस कार्य को करना बहुत कठिन है। हमें किसी ऐसे योगी को तलाशना होगा जो कि न सिर्फ ब्रह्मचारी हो बल्कि जिसका अपने ऊपर पूरा संयम हो, परंतु उसका युवा होना अति आवश्यक है। सुना है हिमाचल के आश्रम और मठों में एक से बढ़कर एक योगी है। हाँ मैंने भी सुना है, हमें वहीं जाकर इस योगी को तलाशना होगा क्योंकि ये काम बहुत चुनौती भरा है और मुझे ये डर है कि इस चुनौती को कोई भी योगी स्वीकार नहीं करेगा। इस कार्य को करने के लिए वही तैयार होगा जो अपने ब्रह्मचर्य की कड़ी परीक्षा से गुजरने के लिए इच्छुक हो। हाँ राजगुरु, अगर आप उन्हें परीक्षा की चुनौती देंगे तो अवश्य हमें ऐसे योगी मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, जरूर हम जीतेंगे। हाँ एक विशेष बात और, इस कार्य के बारे में किसी को जरा भी भनक ना लगे, महाराज को भी इसका पता ना चले। मेरी कार्यशाला में किसी को पता नहीं चलेगा।
तो ठीक है राजगुरु जी, समय बहुत कम है, अब जल्दी ऐसे किसी योगी की तलाश करें, लेकिन उसे कड़ी परीक्षा देनी होगी, अपने संयम को सिद्ध करना होगा। हाँ राजगुरु, चंद्रकला स्वयं उनकी परीक्षा लेगी, इसके रूप और नृत्य से जो ना डिगे उसे ही हम चुनेंगे। उचित है, हमें फौरन योगियों की तलाश में निकल जाना चाहिए। चंद्रकला तुम परीक्षा की तैयारी करो, हमें पूरा विश्वास है कि शुभ कार्य के लिए हमें अच्छा योगी जरूर मिलेगा। परीक्षा इसीलिए ली जाएगी क्योंकि तुम्हें बहुत ही कठिन कार्य को संपन्न करना है। राजगुरु, मुझे बताया गया था कि महाराज हर्षवर्धन के लिए कोई कार्य करना है। हाँ, ये काम उन्हीं के हित के लिए। शास्त्रों में गुरु और ईश्वर के पास राजा को स्थान दिया गया है, उनके लिए जो भी कार्य होगा मैं प्राण पाण से करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी भावना तो सराहनीय है, किंतु क्या राजगुरु, किंतु ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, तुम्हारे संयम की, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की। राजगुरु आप निश्चिंत रहे, मैं इस परीक्षा में विपूर्ण उतरूंगा। पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझे इंद्रियों को भी वश में रखने की कला का ज्ञान है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, उन्हीं के प्रताप से आज विश्व में आनंद मठ का नाम है। देखो कृष्णानंद, आश्रम में रहते ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत आसान है, लेकिन एक रूपवान और सुंदर स्त्री के निकट रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन। राजगुरु मैं इस परीक्षा के लिए भी प्रस्तुत हूँ। देखो सागर में रहते हुए तुम्हें प्यासा रहना होगा, तुम्हारे चारों तरफ वायु होगी लेकिन सांस लेने की आज्ञा नहीं। सागर का जल तो क्या अमृत कलश के सामने हो, तब भी मैं अपनी प्यास पर नियंत्रण रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजगुरु कि इस परीक्षा सागर को पार कर जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम विश्राम करो, प्रातःकाल कार्यशाला में भेंट। प्रेम रस से सींच कर
मुझे प्राप्त हुआ है उसे प्रयोग करने का। बेटी, इस गुप्त ज्ञान के जनक आचार्य वात्स्यायन रहे हैं। उन्हीं के द्वारा रचित कामसूत्र पर यह आधारित है। वैसे तो इसे गुप्त ज्ञान कहते हैं, पर प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए यह आवश्यक है। इस ज्ञान के अभाव में स्त्री पुरुष दोनों ही गृहस्थ आश्रम का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ माँ, मैं महाराज से अनुरोध करूंगी कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार जन साधारण तक पहुंचाया जाए, उन्हें भी वो मूर्तियां दिखाई जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो, किंतु मुझे कुछ शंका हो रही है। शंका? किस बात की शंका माँ? बेटी, अब जो कुछ भी करना सावधानी से करना। भले ही तेरे रूप और यौवन की आंच से अब तक वो योगी नहीं पिघला, किंतु अब जो कार्य होने जा रहा है उससे वो योगी विचलित हो सकता है। क्या हुआ? तेरी भाव भंगिमाएं तो बता रही हैं कि कृष्णानंद के अखंड ब्रह्मचर्य ने कहीं तेरे रूप और लावण्य का मान तो नहीं भंग किया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, कल प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है। मैं चाहती हूँ इस कार्य का शुभारंभ आपके द्वारा ही हो, क्योंकि आप ही मेरी प्रथम गुरु हैं। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। जी। हाय श्याम। हाय श्याम। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। ये कार्य में सफल हो सकूँ। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा से तथा आप सबके सहयोग से आज ये शुभ कार्य आरंभ होने जा रहा है। अतः आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इसे सफल बनाए। सर्वप्रथम हम जिस आसन को मुद्रांकित करने जा रहे हैं उसे वृक्षाध्युरुक आसन कहते हैं। जैसे पेड़ पर चढ़ा जाता है उसी प्रकार नायक नायिका का एक पांव अपने पांव पर रखता है, दूसरा पांव अपनी जंघा पर इस प्रकार लपेटता है जिस प्रकार वृक्ष पर चढ़ा जाता है। इससे दोनों के शरीर पूरी तरह मिल जाते हैं। अब नायिका नायक की पीठ पर अपनी एक बांह लपेटती है और दूसरी बांह उसके गले में डालती हुई चुंबन लेती है। इससे काम लालसा देवता से बढ़ती है। चंद्रकला, अब तुम इसे कृष्णा के साथ करो। जी।
चंद्रकला। महाराज ये क्या कर रहे हो आप? राजशिल्पी तो बहुत गुणी है, मूर्ति देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। हाँ माँ, हमारा सपना साकार हो रहा है। और तुम्हारा वो योगी मतलब वो योगी कृष्णानंद, वो ब्रह्मचारी तो सच में बड़ा योगी है। उसका संयम देखकर तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गई। तुम्हारे रूप और हाव भाव का तनिक भी असर नहीं है उस पर। माँ वो आनंद मठ का योगी है, बाल ब्रह्मचारी अखंडानंद का शिष्य है। मैंने पहली बार देखा है ऐसा कठोर योगी। तभी तो मैंने अपने लिए उसे चुना है। अपने लिए? मेरा मतलब अपने काम के लिए। अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा कि क्या माँ धत। देने का प्रयास कर रही हो। सब माँ की और ईश्वर की अनुकंपा और आप सबके सहयोग से हो रहा है। महारानी जी, उस दिन तो मैं घबरा ही गई थी, महाराज ने ऐसे अचानक पर्दा हटाया कि। चंद्रकला, हमें महल के सभी गुप्त मार्गों का भली भांति से पता है। कहीं महाराज को आपस शक तो नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम थे। चंद्रकला, यदि तुम महाराज को सही मार्ग पर ले आई तो हम पर बहुत उपकार होगा तुम्हारा। कैसी बात कर रही हैं आप? तुम्हें कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जी रानी जी। अच्छा, हम चलते हैं।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंद्रकला, तुम्हारे बिना नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, आपने मुझे वचन दिया है। नहीं चंद्रकला नहीं, तुम्हारे रूप के आगे कोई वचन नहीं। ये आज क्या हो गया है महाराज हर्षवर्धन को, जो अपने वचन के लिए प्राणों को भी संकट में डाल लेते थे, इस हाड़ मास की काया के लिए अपना वचन भी हारने को तैयार है। जिनके संयम की गाथाएं दसों दिशाओं में गूंजती है, उनका संयम डोल रहा है एक साधारण सी स्त्री के लिए। नहीं चंद्रकला नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं महाराज नहीं, एक हुंकार मात्र से बड़े बड़े शूरवीर राजाओं के मुकुट, जिनके चरणों के आगे शोभा बन जाया करती थी, आज एक तुच्छ नर्तकी के लिए पैरों में झुके हुए हैं। नहीं महाराज नहीं, राजा हर्षवर्धन इतने निर्बल और कमजोर कैसे हो सकते हैं। उठिए महाराज उठिए। महाराज आपके वचन के अनुसार 10 दिन और बाकी है, इतना संयम और रखिए, अपने आप को दुर्बल मत होने दीजिए, संभालिए खुद को। ठीक है चंद्रकला, हम चलते हैं। माँ, महाराज ने तो अपना संयम रख लिया है, लेकिन लेकिन लगता है मैं अपना संयम खो रही हूँ। क्या मतलब, तुम राजा को? राजा को नहीं, यान योगी, ये मानव मन भी अजीब है, जो सहज ही मिल जाए उसकी और आकर्षित ही नहीं, और जो दुर्लभ हो उपेक्षा करे उसी की और खींचता है। तो क्या करूं माँ, उसके संयम ने ही तो मेरे संयम के बांध को तोड़ा है। सावधान बेटी सावधान, उस और तनिक भी ध्यान नहीं देना, अगर राजा को भनक पड़ गई तो तेरा तो अहित होगा ही, वो ब्रह्मचारी वो भी नाहक मारा जाएगा, सावधान। प्रणाम। आयुष्मान भव, कार्य शुरू करें चंद्रकला। आज शिवासन करेंगे, जिसमें नायक और नायिका जल और दूध की तरह एक दूसरे में समा जाते हैं। योगी जी, जी आप यहाँ बैठिए, मैं आपकी गोद में बैठूंगी और फिर होठों के चुंबन करूंगी। ठीक है। बढ़ती उन्मुखता हम सबको संकट में डाल देगी, अपने पे नियंत्रण रखो चंद्रकला। कैसे नियंत्रण रखूं माँ, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है, सुबह शाम उसी के ध्यान में खोई रहती हूँ माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माँ। ये प्यार एक तरफा है चंद्रकला, मैं उसे खींच लूंगी अपने। नहीं चंद्रकला, किसी की तपस्या को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, पाप है, ये ईश्वर के प्रति भी अपराध है। ये
उसी ईश्वर ने प्रेम का संदेश दिया है माँ। प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं है। मुझे तो भय लग रहा है तुम्हारे इस प्रेम से। भय कैसा माँ, मुझे पता है महाराज हर्षवर्धन के समक्ष मेरी बात सिद्ध हो जाएगी और फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी अपने सन्यासी को अपनाने के लिए। ठीक है बेटे, तुम्हारी इच्छा पर मैं अपनी इच्छा नहीं थोपूंगी। जिस राह पर तुम चलने की सोच रहे हो वो राह कांटों से भरी पड़ी है। तुम्हारी थोड़ी सी भूल भयंकर परिणाम के रूप में सामने आ सकती है। आप निश्चिंत रहिए माँ। ठीक है बेटी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रात्रि को मैं ये देखने आई थी कि आपके भोजन और विश्राम की व्यवस्था सही है, नहीं तो मैं कुछ जी सब कुछ व्यवस्थित है, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? जी जब आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं तो आपकी सुविधा का ध्यान रखना मेरा भी दायित्व बनता है। यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें। आप सहानुभूति को भूल मत कहिए, अर्थात हमें लगेगा कि हमसे कोई भूल हो गई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप भूल कर ही नहीं सकते। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप विश्राम कीजिए, कल सुबह कार्यशाला में भेंट होगी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक से नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं ही कुछ असहज हो गई थी। तो प्रतीत होता है कि मेरी सुविधा, मेरी सेवा, पूजा का चौक पूरना, ये पुष्पमाला, ये सब तो मात्र बहाना है। सत्य कुछ और ही है। देखिए, मेरी सेवा से यदि आपकी कोई भावना आहत होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पुनः आपके दिनचर्या में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। देवी दिनचर्या तो क्या, आप दिल में हस्तक्षेप कर चुकी हैं। किंतु किंतु परंतु से परे प्रेम पुजारी हो गए हैं हम।
ओ चंद्रा, तुम्हारा चकोर बन गया हूँ मैं। ओ कृष्णा, मैं कब से तुम्हारे नाम की माला जप रही हूँ। कृष्णा, चंद्रकला, कृष्णा, मेरी चंद्रकला, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। चंद्रकला, चंद्रकला, मेरी चंद्रकला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। महाराज की जय हो। आओ सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताइए महाराज। हमने तुम्हें यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। जी कहिए। हमारे आसपास कुछ अपशगुन घट रहा है जो मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न कर रही हैं। तुम्हें गुप्त रूप से राजनर्तकी चंद्रकला की गतिविधियों पर नजर रखनी है। वो क्या कर रही है, किससे मिलती है। जो आज्ञा महाराज। तुम जा सकते हो। प्रणाम। जानी सार करना साथी मेरे।
चंद्रकला एक योगी के साथ? जी हाँ महाराज, मैंने चंद्रकला को उस योगी की बाहों में अपनी आंखों से देखा है। मुझसे छल, मुझे धोखा दे रही है वो मंत्री चंद्रचूर। राजगुरु, राजगुरु। प्रणाम महारानी जी, क्या बात है, आप बहुत भयभीत दिख रही हैं। अनर्थ हो गया राजगुरु, अनर्थ हो गया। महाराज ने चंद्रकला की निगरानी के लिए एक गुप्तचर की नियुक्ति की थी, उसी ने चंद्रकला के बारे में महाराज को कुछ गलत कह दिया। क्या बताया? उसने चंद्रकला और कृष्णा को कामासन की मुद्रा में देखा होगा और महाराज को कह दिया। महाराज गुस्से में भड़क उठे। कुछ अनर्थ ना हो जाए राजगुरु, आप उन्हें रोकिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। हे ईश्वर रक्षा करना। वचन का वास्ता देकर यहाँ प्रेम प्रपंच रचा रही है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। निर्दोष है, इसे छोड़ दो महाराज। मैं इसे प्रेम करता हूँ महाराज, मैं इसे प्रेम करता हूँ। सैनिकों, बंदी बना लो इस उल्टा को और इस दूर पाखंडी योगी को ऐसा डंडो कि ये प्रेम करना ही भूल जाए। इसे क्षमा कर दो महाराज, इसे छोड़ दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है महाराज, इसे छोड़ दो। मंत्री जी पकड़ लो इसे। महाराज चंद्रकला को छोड़ दो, वो मेरी है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ महाराज, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मारो इसे। नहीं, आगे मत बढ़ना। कृष्णानंद, राजशिल्पी, ये क्या हुआ? ये सब समाप्त हो गया राजगुरु। वो चंद्रकला को बंदी बनाकर ले गए। कुछ समाप्त नहीं हुआ राजशिल्पी, कुछ समाप्त नहीं हुआ। हम महाराज को मिलकर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रत्नकला से मिलना होगा। चलो उठो। आओ चलो। राजगुरु, आप चंद्रकला कहाँ है? सैनिकों ने शिल्पी और कृष्णा को जख्मी कर दिया है और चंद्रकला को उठा के ले गए। क्या, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शिल्पी और कृष्णा का इलाज चल रहा है, आप मेरे साथ आइए। Thank you.
जाओ दरवाजा खोलो। जो आ गया महाराज। आइए महाराज। चंद्रकला, तुमने मेरे विश्वास को छला है, फिर भी मैंने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, लेकिन तुम्हें वचन भंग करने के कारण मेरी अंगशायनी बनना होगा। मैंने कोई वचन भंग नहीं किया, ना ही आपको छला है, बल्कि आपने एक माह पूर्ण होने से पहले ही मेरे कार्य में हस्तक्षेप करके अपना वचन भंग किया है। वाह वाह खूब, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चंद्रकला, तुम शायद भूल गई कि मैं एक राजा हूँ, और एक राजा क्या क्या कर सकता है इसका ज्ञान तुम्हें नहीं। उचित यही होगा कि तुम मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो, समझी? बंद कर दो इसे। मेरी बेटी मासूम है, उसने आपसे न कोई छल किया है न पाप, वो पवित्र है। हाँ महाराज, उसने जो कुछ किया आपके लिए किया चंद्रकला ने, और वैसे भी ये सब राजशिल्पी और हमारी निगरानी में हुआ है, वो भला आपको कैसे छल सकती थी। और वो आनंद मठ का योगी, उसे मैंने ही बुलवाया था महाराज, ब्रह्मचारी है वो। ब्रह्मचारी? राजगुरु, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी कि आप मुझसे झूठ बोले। झूठ? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को अनुचित अवस्था में। अरे महाराज, वो उस अवस्था में भी आप ही के लिए थे, ताकि राजशिल्पी मूर्ति गढ़कर आपको गुप्त ज्ञान की जानकारी दे सके। अच्छा, और वो जो मैंने अपने कानों से सुना, वो ब्रह्मचारी बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं चंद्रकला से प्रेम करता हूँ, चंद्रकला मेरी है। महाराज, साथ रहते रहते दोनों में प्यार तो पनप गया, लेकिन उनके संबंधों में कोई अपवित्रता नहीं आई है। चंद्रकला तो यही चाहती है कि जो कुछ आपको सिखाना चाह रही है उसके पश्चात आप उसे मुक्त कर देंगे, तब वो दोनों एक हो जाएंगे। बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो दोनों क्या रंगरलिया मनाते थे। वो आनंद मठ का योगी, अरे चंद्रकला ने कहा तो मैंने उसे छोड़ दिया, कोई और होता ना तो वही सर कटवा देता उसका। किंतु महाराज, उचित होगा आप दोनों यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महाराज, मैं अपनी बेटी को यहाँ अकेली छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। मैं हाथ छोड़ती हूँ महाराज। बस, वाह महाराज वाह, एक विवश माँ की बेटी को अपनी शक्ति के बल पर बंदी बना लिया महाराज हर्षवर्धन ने, और अब अपने तन की भूख मिटाने के लिए आप उस पर छल का आरोप लगा रहे हैं। महारानी यशोधरा, चिल्लाने से सच्चाई नहीं दबती महाराज, क्या समझा आपने उसे? आपकी दासी है वो या आपकी निरी प्रजा है, उसका कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि वो अपनी माँ के साथ पेट की अग्नि शांत करने के लिए आपके नगर में आई, और आपकी भूखी निगाह उस पर पड़ गई। महारानी यशोधरा, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही हो, ज्यादा बकवास की ना तो जुबान कटवा डालूंगा तुम्हारी। किस किस की जुबान काटेंगे आप? आज हम कह रहे हैं, कल सारा संसार कहेगा कि महाराज हर्षवर्धन ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक मासूम पर जुल्म किया। अभी भी संभल जाइए महाराज, किसी मासूम का सताएंगे तो ईश्वर का कहर टूटेगा। क्या हुआ राजगुरु? तुम्हें राजा से ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि तुम चंद्रकला से प्यार करते हो? क्योंकि यही सच है माँ। इसी सच ने राजा की दृष्टि में चंद्रकला को दोषी ठहराया, और राजगुरु को भी लांछित होना पड़ा। हाँ, महाराज को इतना क्रोधित मैंने आज तक नहीं देखा। क्या
महाराज का यह रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ नहीं तो महल की ड्योढ़ी पे सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। उसे कुछ नहीं होगा माँ, मैं सभी मठों के साधु संतों को बुलाऊंगा। साधु संत तुम्हारा साथ क्यों देंगे? तुमने अपने ब्रह्मचर्य से टिक कर सारे ब्रह्मचर्यों को कलंकित किया है। महारानी जी आप यहाँ? प्रणाम महारानी। प्रणाम। राजगुरु हमें चंद्रकला को छुड़ाना होगा, इसलिए मैं आप लोगों का साथ दूंगी। क्या क्या आप ऐसा कर सकती हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें शीघ्र ही उसे लेकर सीमा से बाहर जाना होगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बस आप मेरी बेटी को छुड़वा दीजिए। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। रुक जाओ सैनिक, इसे हटाओ, इन्हें चंद्रकला से मिलने दो। क्षमा करें राजगुरु, महाराज की आज्ञा नहीं है, आप यहीं से भेंट कर सकते हैं। सैनिकों मेरा हुक्म है, द्वार खोलो और इन्हें मिलने दो। जो आज्ञा महारानी साहिबा। कृष्णानंद जाओ मिल लो। आइए चंद्रकला। कृष्णा देख रहे हैं, यहां से निकल चलो। ओ रुक जा, खबरदार, महाराज की आज्ञा के बिना तुम चंद्रकला को बंदी ग्रह से नहीं ले जा सकते। शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। ईश्वर तुम्हारी रक्षा। जो आज्ञा महारानी। चंद्रकला हमें इस समय ये नगर छोड़ना होगा माँ। शीघ्र निकल चलो यहाँ से। चलो। बहुत बुरी खबर है महाराज। क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, कृष्णानंद चंद्रकला को बंदी घर से छुड़ा ले गया। तुम जाके सैनिकों को एकत्रित करो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री चंद्रचूर, मंत्री चंद्रचूर सिंह, मंत्री चंद्रचूर सिंह। जी महाराज। ये कैसी व्यवस्था है आपकी? एक अकेला कृष्णा बंदी गृह से चंद्रकला को लेकर भाग गया, उस वक्त हमारे सैनिक क्या कर रहे थे? महाराज बंदी गृह में हमारे दो सैनिक थे, परंतु उस कृष्णा ने दोनों को इस तरह दबोचा, दोनों के दोनों मूर्छित हो गए। उस चंडाल की ये मजाल। मंत्री जी आप सैनिकों के साथ जाइए और उन दोनों को ढूंढिए और शीघ्र से शीघ्र उन दोनों को मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जो आज्ञा महाराज। जाइए। चलो सैनिकों।
कृष्णा के साथ भाग जा, सैनिकों को मैं उठा लूंगी। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं माँ, हाँ हाँ तुम चलो चंद्रकला, जा वो आ रही है। नहीं माँ, नहीं मैं तुम्हें चलना है। महाराज को छल देकर भाग गई थी। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप उसके पीछे पड़े हैं। देवी रत्निकला जी, कभी कभी स्त्री का रूप ही उसका शत्रु बन जाता है, और फिर आपकी बेटी का तो सौंदर्य ही उसका संकट बन गया है। इसने महाराज को वचन दिया था और फिर खुद ही वचन तोड़ दिया, क्या यह पर्याप्त कारण नहीं है? आपकी बेटी महाराज की दोषी है। सैनिकों पकड़ लो इन तीनों को, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पाखंडी तेरी है मजाल, मारो इसको। नर्तकी को भगाने का दुस्साहस किया है, बांध दो इसको घोड़े के पीछे। महाराज इसका कोई दोष नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। क्या? आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। और इस घमंडी नर्तकी को पेड़ियों में जकड़ दो। तुमसे वफा करूंगा
में भी तुम्हारा सौंदर्य कम नहीं है। सैनिकों, जी महाराज, दासियों को बुलवाकर इनका श्रृंगार कराओ और हमारे कक्ष में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। क्या हो गया? मैं जो नहीं करना चाहता था वो भी करना पड़ा मुझे। चंद्रकला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मेरी हो जाओ। माँ कैसी है? सकुशल है वे, राजवैद्य उनका उपचार कर रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है वो? वो भी ठीक ही है, उसे भी छोड़ देंगे अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो। ठीक है। सत्य कह रही हो तुम? तुम मेरी हो जाओगी? लेकिन पहले कृष्णानंद को छोड़ना होगा। छोड़ दूंगा चंद्रकला, बस तुम मेरी हो जाओ। तुम्हें आलिंगन में लेने को मेरी भुजाएं आतुर हैं। मेरे सामने छोड़ना होगा सब कुछ। ठीक है चंद्रकला, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहाँ है कृष्णा? वो जहाँ भी है सुरक्षित है। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आपको उसे मेरे सामने छोड़ना होगा, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं प्रातः होते ही उसे छुड़वा दूंगा। है कहाँ वो? वहीं, जहाँ तुम्हारे प्रेम के प्रतीक हैं। वो हमारे प्रेम के प्रतीक नहीं है, हमारी सच्चाई के प्रमाण है। वो गुप्त ज्ञान है जो मैं आपको देना चाहती थी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ। चंद्रकला, चंद्रकला, कृष्णा, रुक जाओ चंद्रकला, चंद्रकला रुक जाओ, चंद्रकला, कृष्णा, रुक जाओ चंद्रकला, चंद्रकला, कृष्णा, 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 महाराज कहाँ है मेरा कृष्णा, कहाँ है? तुम्हारा कृष्णा इन मूर्तियों में है, रंगरलिया मना रहा है तुम्हारे साथ। ये रंगरलिया नहीं है महाराज, मेरी सच्चाई का प्रमाण है ये, और कृष्णा के संयम का सबूत है ये। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वो गुप्त ज्ञान है जिसके अभाव से आप आठ रानियों के होते हुए भी कभी सच्चा स्त्री सुख नहीं पा सके। ये देखिए, ये देखिए, ये वो गुप्त ज्ञान है जो आप जानते तो आपको आठ रानियों की आवश्यकता ही नहीं होती और आप अनेक जिंदगियों को बर्बाद नहीं करते। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे सीखकर पुरुष एक स्त्री से अनेक स्त्रियों का सुख प्राप्त कर सकता है। देखिए, 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 मैंने अपनी सच्चाई सिद्ध की है महाराज, अब तो
मेरे कृष्णा को छोड़ दीजिए। कहाँ है मेरा कृष्णा? कहाँ है? बताइए कहाँ है कृष्णा? कहाँ है चंद्रकला? बताइए। मैं बताता हूँ कृष्णा कहाँ है। महाराज ने क्रोध में आकर कृष्णा को जिंदा इस दीवार में चुनवा दिया। ये तुमने क्या किया चंद्रकला? तुम सच्ची थी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ चंद्रकला। मुझे दंड दो, मुझे माफ कर दो चंद्रकला। मैं वास्तव में अंधा हो गया था चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला, ये तुमने क्या किया चंद्रकला? तुम तो सच्ची थी, मैं ही वास्तव में अंधा हो गया था चंद्रकला। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ चंद्रकला। मुझे दंड दो चंद्रकला, मुझे दंड दो चंद्रकला। राजगुरु, राजशिल्पी, मैं आप दोनों का अपराधी हूँ। मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। महाराज, आपको दंड देने से कृष्णा और चंद्रकला तो वापस नहीं आ जाएंगे। आप अगर उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी इन कृतियों को स्मारक रूप देकर सुरक्षित करवा दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गुप्त ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सके और किसी चंद्रकला की जान व्यर्थ में न जाए। जैसी आपकी इच्छा राजशिल्पी। जी महाराज। आप इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें और इन मूर्तियों को उचित स्थान देकर चंद्रकला और कृष्णा के स्वप्न को साकार कीजिए और चंद्रकला की समाधि भी इसी दीवार के पास बनवाइए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। कृष्णानंद चंद्रकला।